मिस्ट्री नंबर वन। दुनिया में पेंडोरा वायरस नामक एक ऐसा विचित्र वायरस मिला है जिसे कुछ लोग परग्रही वायरस बताते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इसकी 7% जैविक संरचना ही समझ पाए हैं, बाकी इसका 93% जैविक संरचना अभी तक समझ नहीं पाए। मिस्ट्री नंबर टू। चीन के एक शहर हाइचिंग में कुत्ते तथा अन्य जानवर बड़ा ही अजीब व्यवहार करने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा विचित्र और समझ से परे था। जानवरों की यह हरकत बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। चीनियों ने इसे रहस्यमय संकेत समझा और उसके बाद पूरा हाइचिंग शहर खाली कर लिया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही इस शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण लगभग पूरा शहर बर्बाद हो गया। जानवरों की यह विचित्र हरकत आज तक एक पहेली बनी हुई है। मिस्ट्री नंबर। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा विचित्र कंकाल पाया गया। अनेक लोगों का मानना है कि यह 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्य ग्रह से संबंधित है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ता कहते हैं कि यह कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। मिस्ट्री नंबर फोर। 1528 शताब्दी में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और इस रहस्य में बीमारी को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में खुशी खुशी रहते थे अचानक ही नाचना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु वो नाकामयाब रहे। इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, दिल का दौरा तथा खून की नसें फट जाने के कारण मर गए। यही बीमारी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। मिस्ट्री नंबर। उत्तराखंड में स्थित कंकाल झील, जिसे रूपकुंड भी कहा जाता है, जहां 200-300 मानव खोपड़ियां और धड़ों का जमावड़ा देखा जा सकता है। हमेशा से ही यह झील अपने रहस्य को लेकर चर्चा का विषय रही है। कोई इसे परलौकिक शक्तियों का कारनामा कहता है, तो कोई बड़ी मात्रा में हुए नरसंहार से जुड़ा स्थान बताता है। अफवाहें तो बहुत उड़ती है, लेकिन कोई भी अभी तक दुर्गम स्थान पर स्थित इस स्थान की पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन अब लगता है कि शायद इस स्थान से जुड़े रहस्य को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इस स्थान के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर किसी अलौकिक ताकत या फिर नरसंहार की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें नहीं गई थी, और ना ही इस स्थान पर सामूहिक बलि दी गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कंकाल उन लोगों के है जो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आए थे, और ओलों की आंधी की वजह से इस स्थान पर अपनी जानें गंवा बैठे।